बात करो तो ये चीज इनपुट नहीं है, ये आउटपुट हो गया। तो सोचो अगर जावा की एप्लीकेशन इस प्रोसीजर को डेटा दे रही है, वो तो आ गया। अच्छा तो जावा की एप्लीकेशन इस प्रोसीजर को डेटा दे रही है तो टेक्निकली इधर के कॉन्टेक्स्ट में तो आउटपुट हो गया, लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं करते, हम तो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। यानी स्टोर प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में जावा की एप्लीकेशन जो दे रही है वो इनपुट है, और स्टोर प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटपुट है। तब हमने इसका यूज किया था, इसका यूज करके हमने डेटा इंसर्ट किया या वेट किया या डिलीट किया, लेकिन इसका यूज करके हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से, और वो जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो हम एप्लीकेशन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात ये है इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला ख्याल, हमारी जो क्वेरी होनी चाहिए वो सिलेक्ट होनी चाहिए, है क्या नहीं? हमारी जो क्वेरी होनी चाहिए वो सिलेक्ट होनी चाहिए, एंड द डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्ट क्वेरी, एंड द डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्ट क्वेरी हम लोग उठा के इसमें डाल देंगे। यहां से देखना, हम लोगों ने यहां से सिलेक्ट क्वेरी चलाई, हम लोगों ने यहां से सिलेक्ट क्वेरी चलाई, डेटाबेस ने डेटा दिया, हमने वो डेटा को उठाने के बाद आउट में डाल दिया। अब हम इसको इसके साथ कैसे एसोसिएट करें, हम एप्लीकेशन को कैसे बताएं कि आउट के अंदर डेटा पड़ा हुआ, हम जावा के एप्लीकेशन को कैसे बताएं कि आउट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है? तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जितने भी आउट पैरामीटर्स हैं, वर्ड पे ध्यान देना भाई सर, जितने भी आउट पैरामीटर्स हैं हमें उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। जितने भी आउट पैरामीटर्स हैं उनको हमें अपनी एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो कौन सा आर्गुमेंट है जो आउट है और वो किस टाइप का है। यानी एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का है, वो कौन सा है, सारी बातें। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, फिर हम लोग अपने स्टोर प्रोसीजर को चलाएंगे, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये सिलेक्ट क्वेरी चलाएगा, डेटाबेस से डेटा उठाने के बाद इस पे डाल देगा, हम इसके अंदर से डेटा को फेच करेंगे, हम इसके अंदर से डेटा को फेच करेंगे। तो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप दिखा दूं या पहले प्रोग्राम ही बना के दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है स्टेप बाय स्टेप से भी आपके सामने वही आएगा, इससे अच्छा है मैं प्रोग्राम ही देख लेता हूं, है ना सुंदरम? यस। जब तक मैं मानता हूं तब तक लिखो, which can be consumed by Java application, 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 bracket के अंदर लिखना, bracket के अंदर लिखना, output, output तो है, output, by using in out, the SP can do both. The SP can do both. Both का मतलब ये जावा की एप्लीकेशन से डेटा ले भी सकता है और जावा की एप्लीकेशन को डेटा दे भी सकता है। The SP can do both. देखो, in case of out और in out, in case of out और in out, कौन सा टेक्निकल है? In case of out and in out, in case of out and in out, it is mandatory to register. It is
register the argument using this method. Register out parameter. It is mandated to register the argument by using register out parameter. Iska matlab jante ho ye? Callable statement. In case of in out, it is mandated to register the argument by using register out method. Register out parameter. It is mandatory to register the arguments by using register out parameter method. Register out parameter methods and retrieve the data from in and in out. Out and in out, sorry. And retrieve the data from out and in out using get methods. Yaad aaya get methods? Using get methods. Ab sahi hai, get method kaun kaun se hai samajh mein nahi aa raha. Are wo result set wale yaad nahi hai aapko? Get int, get float, get double, get boolean, get long, get date, get value string, get string ko get methods. Iska matlab ye hai, agar ye in hai, words ko dhyan do bhai, agar ye in hai to dimag mein koi lochan lene ki zarurat na, sidha ek isko bata. Lekin agar ye out hai na to isko register karna padega. वर्ड का ध्यान दो, अगर ये आउट है या इन आउट है तो मेरे को इसका रजिस्टर करना पड़ेगा और जो डेटा इसमें आया है उसको मुझे फेच भी करना पड़ेगा बाय द मतलब दिस मेथड्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. लेकिन जरा समझ में एक बात नहीं आ रही सर, जावा की एप्लीकेशन को हम ये कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप का है? जरा सोचो, इसका जो टाइप है वेर कैन टू हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे बताएंगे? अरे जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि आर्गुमेंट किस टाइप का है, वेर कैरेक्टर टाइप का है, एप्लीकेशन में कैसे लिखोगे, क्योंकि वहां पे वेर कैरेक्टर है, यहां तो स्ट्रिंग है. अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होते सर, इनपुट आउटपुट. वहां पे वेर कैरेक्टर 2 है, रुको यार, वहां पे वेर कैरेक्टर 2, यहां तो स्ट्रिंग है, वहां पे नंबर है, यहां तो फ्लोट है ना सर. इनपुट अपडेट डिलीट. हां क्या? अबे हां इनपुट अपडेट डिलीट कर. अरे भैया कॉलेबल स्टेटमेंट को आपने डॉट गेट डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर और जो नीचे वाला है वो गेट मेथड से ठीक है. अरे भैया ये पंखा नहीं कह रहा मैं, ये बत्ती बुझा दो भाई, बुझा बच्चे भाई, चलो आप जो बंद कर दिया तो चलो भाई. अच्छा संजीव कहाँ है? अरे मेरा युवांशु आ गया. अब तो सेटपा वाले इसको पैसे देंगे, पता है ये सुबह 10 बजे आता है, शाम को 8 बजे जाता है. पैसे देंगे, कहेंगे भाई काम करिए, पैसे देंगे दोबारा मत आना भाई. चलो ठीक है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं. मेरे समझ में ये नहीं आ रहा ये होगा भी नहीं होगा, लगता तो है जिस तरह से डायग्राम बनाए. अगर आप ध्यान से देखो काफी अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है बट सही है, मेरी राइटिंग तो थोड़ी अच्छी होती जा रही है. अबे ऊपर लिखा हुआ है ओके इधर, ओ टी पोर्ट या आउटपुट है, आउट ही है, डबल ओ नहीं है, ओ यू टी है, डबल ओ लग रहा है तुम्हें, पर वो यू है. अरे यार एक काम कर, कल वाला कोई प्रोग्राम यूज कर ले यार, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा. कल वाला यूज कर लेते हैं, कौन सा था यार, या कुछ याद है कौन सा था, कुछ याद है? DB1 था, DB2 था, DB2 तो है ही नहीं भाई इसमें, DB2 है ही नहीं, DB1 ही है क्या, या JDBC2 था, बताओ भाई. नहीं फोल्डर का डेट देख लेते हैं.
देख लो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो बनेगी भी नहीं एप्लीकेशन, यही था शायद, यही था। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और नया प्रोग्राम बनाते हैं। नया प्रोग्राम, डिफॉल्ट पैकेज न्यू जावा क्लास, जावा क्लास इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, टेस्ट सी एस पार्ट टू, है ना। ओके, कंट्रोल है, कंट्रोल भी। अगर बच्चों बहुत ध्यान से देख लेना आप लोग, टेस्ट सी एस पार्ट टू, टेस्ट सी एस पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट टू, सही नहीं होगा। देखो अब देखो कहानी क्या करनी है मुझे, देखो इधर देखो पीछे वालों, अब मेरे को बनाना है स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, और उसके अंदर मुझे लिखनी है सिलेक्ट क्वेरी। अब वो जो सिलेक्ट क्वेरी होगी, जब आप क्वेरी चलाओगे तो आपके पास कोई डेटा आएगा। अब सिलेक्ट क्वेरी आप किस बेस पे चलाओगे, किसी ना किसी बेस पे चलाओगे। जैसे मान लो मेरे पास कल कोई टेबल थी, टेबल का नाम था बुक्स या बुक्स टेबल, कोई एक थी, पहले तो उनमें से किसी को चाहिए, हाँ, एक तो हमारे पास बुक्स थी और एक बुक्स टेबल थी, है ना। तो हमारे पास जो टेबल थी, अच्छा अच्छा हाँ, बुक्स और बुक्स टेबल दो थी हमारे पास, देख लेते हैं उनमें से किस पे लगाना है। देखो फिर मैं आपको दिखाता हूँ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माय ऑल टाइम टेबल। हाँ हाँ भाई चल गया, चलो लगता तो नहीं है चलेगा, चलो हाँ ये कार्बोरेटर का काम कराया अभी चल जाएगा, टेंशन मत लो। लॉगिन पे क्लिक करो, ऑथर ब्राउजर, कौन सी टेबल थी हमारे पास, एक तो बुक्स थी और एक बुक्स टेबल थी, इनमें से किसी एक को देखते हैं। बुक्स में क्या है, बुक्स में मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है, डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वन है, टू है, थ्री है, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं। तो आप मुझे एक काम करो, आप मुझे बुक की आई डी दो, व्हाट्स पे ध्यान दो बच्चों, आप मुझे बुक की आई डी दो, इधर देख लो प्रीतम दयाल, हाँ, तो आप मुझे बुक की आई डी दो, मैं आपको बुक का टॉपिक दूंगा, राइटर दूंगा, बुक की कॉस्ट दूंगा, ऐसा कर लेते हैं, बढ़िया है। तो मुझे एक ऐसा प्रोसेस भी बनाना है जो मुझसे बुक की आईडी लेगा और आईडी के बेस पे जितना भी डेटा अवेलेबल है वो देगा। इसका मतलब ये है कि डेटा हमेशा यूनिक होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो मेरी जो बुक की आईडी है प्राइमरी की है और प्राइमरी की डुप्लीकेट हो नहीं सकती, यानी सबसे सही टेबल यही है। आओ देखते हैं इसके लिए स्टोर प्रोसीजर बना के, तो एक काम करना प्राइमरी हटा दीजिए प्राइमरी की, तो भी कोई बात नहीं, डेटा तो यूनिक है, डेटा तो तब भी यूनिक है। चलो अब मुझे एक बात ध्यान रखना, कौन कौन सी है इसके अंदर, आईडी है, टॉपिक है, राइटर है, कॉस्ट है, लिख लो आईडी, टॉपिक, राइटर, कॉस्ट, जल्दी लिखो, फोटो खींचेगा यार, अबे जब तक क्लिक करो यहाँ लिख लो ना आईडी, नाला आदमी है, आईडी, टॉपिक, राइटर एंड कॉस्ट, अरे लालू प्रसाद, अब मुझे वो देखने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, चलो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले मेरे को एक प्रोसीजर लिखना है। देखो बच्चों प्रोसीजर लिखना थोड़ा सा टफ है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, टफ है, थोड़ा सा टफ है, तो आप देखते हैं, आप क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, प्रोसीजर पे जाओ, क्या नाम रखते हैं इसका, इसका नाम रखते हैं कुछ और ले जाओ भाई, क्या रखें इसका नाम, कुछ बढ़िया से नाम बताओ, बढ़िया बेहतरीन, हाँ क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, ये ले लो भाई, आजकल ये बहुत आ रहे हैं, जलजला परसों भी आया था पता है, शाम को हमने महसूस नहीं किया, अच्छा और महसूस नहीं किया, हाँ परसों भी आया था शाम को, ठीक है, अब जरा हाँ जलजला उर्दू में जलजला बोलते हैं, इधर देखो भूकंप जलजला बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, भूकंप को जलजला बोलते हैं, नाम वर्ड है वो, कौन सी खास बात है, नाम से डर लगता है, भूकंप जलजला, अब सुनते रहे ना ध्यान से, पता है जलजले का दूसरा भी क्या नाम है, वो रियलिस्टिक नाम है, अब सुनो कहानी समझो, आप मुझे इधर देखना, अरे कहे कौन नहीं चले, तो भाई ऐसे चल रहा है, हम आराम से बोलते हैं, तो देखो कहानी समझो, आप मुझे बुक की आईडी दो और मैं आपको बुक का टॉपिक दे दूंगा, पता आप कुछ क्वेरी ऐसे बनेगी, सिलेक्ट सिलेक्ट दिखाना, हाँ सिलेक्ट लेते हैं, सिलेक्ट टॉपिक राइटर एंड तो सिलेक्ट टॉपिक राइटर एंड कॉस्ट फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी, यानी जहां पे हमारी बुक की आईडी मेरी वाली आईडी के साथ सेम हो जाती है वहां पे बुक का टॉपिक राइटर और कॉस्ट दे दो, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि आईडी आप लोगे एप्लीकेशन से तो एन हो गया, जबकि आप टॉपिक का डेटा प्रोड्यूस करोगे, राइटर का डेटा प्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट का डेटा प्रोड्यूस करोगे, तो आईडी तो होना चाहिए एन, टॉपिक होना चाहिए आउट, राइटर होना चाहिए आउट, कॉस्ट होना चाहिए आउट। अगर ये तीनों आउट है तो मुझे इनका रजिस्टर करना पड़ेगा और बाद में इनका डेटा उस मेथड से निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स। तो चलो देखते हैं ऐसे कैसे होगा। पहले तो आप ये देखो सिलेक्ट क्वेरी लिखी कैसे जाएगी, देखना। देखो नॉर्मली सेट क्वेरी हम कैसे लिखते हैं और यहाँ कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम किया, मैंने कहा बी आई डी, ये जो बी आई डी है ना, मान के चलो ये बुक आई डी, ठीक है। बुक आई डी किस टाइप की थी, नंबर, नंबर, और किस टाइप का होगा इन, इसका डेटा एप्लीकेशन से आएगा। अगला है बुक का टॉपिक, ध्यान से देखना बच्चों, बुक का टॉपिक क्या टॉपिक था वहां पे उसका, वेयर कैट टू टाइप का था, इसका डेटा आउट टाइप का। अगला था बुक का, अगला था बुक का राइटर, तो बी राइटर, बी राइटर ये कैसा रखोगे बच्चों, आउट वेयर कैट टू। अगला था बी कॉस्ट, बी का कॉस्ट वहां पे कैसा था, ये नंबर, और यहाँ पे नहीं, वहां तो नंबर, यहाँ भी नंबर और बकायदा इन डेटा देना है। अच्छा हाँ ओके, अब कहानी समझो भाई, अब हम इसको लेके चलते हैं आगे, तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखो मेरे पास चार आर्ग्यूमेंट्स हो गए, चार आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट है आईडी, दूसरा टॉपिक, तीसरा राइटर, चौथा कॉस्ट। इसका डेटा एप्लीकेशन से आएगा, बट पे ध्यान दो, इसका डेटा एप्लीकेशन से आएगा, इसका डेटा एप्लीकेशन पे जाएगा, जाएगा, जाएगा। ओके चलो, अगर आप इन आउट दोनों दे दोगे तो बिल्कुल सही, सबसे अच्छा तो वही है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसी में डेटा आ रहा है, उसमें डेटा जा रहा है, मॉड्युलैरिटी में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो हमें हाँ आएगा, तो उसमें देखो आउट को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डेटा चाहिए, बिल्कुल सही इसने पूछा, अगर आउट है, आउट को तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, इन को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। अगर इन आउट दोनों है तो अगर आपको डेटा सिर्फ एप्लीकेशन से चाहिए तो मत रजिस्टर कराओ, लेकिन वापस भेजना तो रजिस्टर। तो हम थोड़ा सा अलग अलग रखें। हाँ जी, तो अगला हमने क्या काम किया, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। अब जरा देखो बच्चों क्वेरी कैसे लिखोगे आप, ध्यान से देखना क्वेरी कैसे होगी। क्वेरी कुछ इस तरह से होगी, सिलेक्ट, हाँ जी ए स्टार नहीं, सिलेक्ट, ठीक है, सबसे पहले बुक का टॉपिक, बुक अंडरस्कोर टॉपिक, ठीक है, टॉपिक की स्पेलिंग गलत हो गई, टॉपिक, एक काम करो ये बुक अंडरस्कोर तो कॉपी कर ही लो क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सबसे सबसे पहले बुक का टॉपिक, उसके बाद बुक का राइटर, कंट्रोल भी नहीं किया मैंने, हाँ जी, और तीसरा वाला क्या था बच्चे, बुक का कॉस्ट, कहाँ से उठाना है, कहाँ से उठाना है, फ्रॉम बुक अंडरस्कोर, बुक्स है, बुक है, बुक्स, बुक्स अंडरस्कोर टेबल, फ्रॉम बुक्स, सिंपल बुक्स है, बुक्स, वेयर, वेयर, हाँ बताओ बच्चे, वेयर, वेयर बुक का आईडी बराबर बी आई डी, ओके बी आई डी। आप लोगों ने बी आई डी यूज कर लिया, आप एक बात बताओ, ना तो आपने बी टॉपिक यूज किया, ना आपने बी राइटर यूज किया, ना बी कॉस्ट यूज किया, कहीं ना कहीं कुछ पंगा है, नहीं बात हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ पंगा है, इसका मतलब हमारी क्वेरी गलत है। आप खुद सोचो, ना तो आपने बी टॉपिक, ना आपने वो आउट वाले जो आर्गुमेंट है वो तो आपने कहीं यूज भी नहीं किया इसमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, लोचा है, खुद सोचो। क्वेरी तो हमारी ऐसी लिखी जाती है, वो क्वेरी बिल्कुल ठीक है, सिलेक्ट बुक टॉपिक, बुक राइटर, बुक कॉस्ट, फ्रॉम बुक्स, सही तो है, ऐसे नहीं होगी ये क्वेरी। आपको करना क्या है, आपको ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक के वैल्यू उठा के कहाँ डालनी है, बी टॉपिक में, ठीक है, और वो जो राइटर है ना, बुक राइटर, इसकी वैल्यू उठा के डालनी है बी राइटर में, और उसकी वैल्यू बुक कॉस्ट की वैल्यू उठा के डालनी है बी कॉस्ट में, तभी तो डेटा आपसे मिलेगा एप्लीकेशन के जरिए। तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखो, ठीक है, क्यों ना एक काम किया जाए, सबसे पहली वैल्यू जो हमारी ये है बुक टॉपिक, इसको उठा के कहाँ डाल दिया जाए, ठीक है, हमने इसको उठा के ऐसे लिखा इनटू बी टॉपिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहली वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, टॉपिक, टॉपिक, अभी तो देखो क्या क्या होने वाला है इसमें, टॉपिक कॉमा, इस ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के कहाँ डालोगे, बी राइटर, बी राइटर कॉमा, और ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ डालोगे, बी कॉस्ट में, बी कॉस्ट में, तब ये बने, इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो, जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो, इसका डेटा उठा के इसमें डाल दो, इसका डेटा उठा के इसमें डाल दो, इसका डेटा उठा के इसमें डाल दो। तो सिलेक्ट बुक टॉपिक, बुक राइटर, बुक कॉस्ट इनटू बी टॉपिक, बी राइटर, बी कॉस्ट फ्रॉम बुक्स, ठीक है जी। आओ जरा इसको करके देखते हैं, नेक्स्ट करो, ठीक है, और इसको फिनिश करो, इसको फिनिश करो, अगर सब कुछ सही रहा तो आपके प्रोसीजर में एरर नहीं आनी चाहिए।
प्रोसीजर में एरर नहीं आई। अब जरा देखते हैं जल्दी आके रेड हुआ है नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप काम करते हैं एरर चेक करके देखते हैं। दिस प्रोसीजर हैज नो एरर्स। तो हमारा फिर से देखो वो जावा की एप्लीकेशन, वो जावा की एप्लीकेशन आईडी की वैल्यू देगी, वो जावा की एप्लीकेशन एसपी को आईडी की वैल्यू देगी, पर एसपी क्या काम करेगा, डेटाबेस को हिट मारेगा, डेटा आएगा अपने पास रख लेगा तीन वेरिएबल में संभाल के। पहला वेरिएबल कौन सा होगा, बी टॉपिक, बी और राइटर और बी कॉस्ट, और वो एप्लीकेशन उस आउट के डेटा से डेटा को निकालेगी। तो चलो लिखते हैं कैसे लिखेंगे, अब मुझे एप्लीकेशन में इसको यूज करना है। कैसे यूज करोगे, सबसे पहला तो सेम ही रहेगा है ना, ये वाला तो सेम ही रहेगा, उसके बाद ये वाला भी सेम रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, समझे भाई, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमारे एसपी का नाम था वायरस, इस बार हमारे एसपी का नाम है जलजला। तो आप लिखोगे यहाँ पे जलजला, जलजला, और कितने आर्गुमेंट थे वहां पे, चार, तो चार दे। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये था इन, इसका डेटा एप्लीकेशन से आएगा और इसका डेटा एप्लीकेशन को नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है मुझे क्वेश्चन मार्क नंबर टू, क्वेश्चन मार्क नंबर थ्री, क्वेश्चन मार्क नंबर फोर को रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, इसका डेटा देना पड़ेगा, इसका डेटा देना पड़ेगा, इसका डेटा लेना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि इसका डेटा दिया कैसे जाएगा, अरे सिंपल सी बात है यार, इसका डेटा देने के लिए मेरे पास है ना सेटेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क नंबर वन का डेटा दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट बाद में डाल दूंगा, फिलहाल करके दिखाता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस में डाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन मार्क नंबर वन की वैल्यू को देना है। तो मैंने कहा एक काम करो यार, क्वेश्चन मार्क नंबर वन पे अगर कोई वन करके बुक पड़ी हुई हो, देखें वन पे कोई बुक है या नहीं, तो वन पे है शायद, है ना, बुक्स है, वन टू थ्री फोर है, तो वन पे कौन सी पड़ी है, सी प्लस प्लस, राजू ने लिखी है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे वन दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई वन, ठीक है। तो इसका मतलब अभी क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट सिलेक्ट टॉपिक राइटर कॉस्ट फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आई डी इक्वल्स टू वन। इसका मतलब मेरे पास जो आया होगा बुक का टॉपिक आया होगा सी प्लस प्लस, राइटर आया होगा राजू, और कॉस्ट आई होगी एक दो तीन चार पॉइंट पांच छह, यही तो आया होगा। ये वाला जो डेटा है ये गया होगा बी टॉपिक के अंदर, ये गया होगा बी राइटर के अंदर, और ये गया होगा बी कॉस्ट के अंदर। मुझे उनको रजिस्टर करना है, पहले उनको रजिस्टर करना है, बताना है मुझे अपनी एप्लीकेशन को, मेरे पास ये है, कैसे करोगे और मैं आपको बताता हूँ। आप लिखोगे सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर्स, देख रहे हो, इसमें आप कौन सा वाला यूज करोगे, एक तो ये है मेरे पास और एक ये वाला है, आप इनमें से या तो ये वाला यूज करोगे या ये वाला यूज करोगे, ये वाला, इसमें पैरामीटर का नाम देना पड़ेगा और ये इंडेक्स वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, क्वेश्चन मार्क नंबर दो, क्वेश्चन मार्क नंबर दो कौन सा था, क्वेश्चन मार्क नंबर दो था, क्वेश्चन मार्क नंबर एक था आईडी और वो था नंबर टाइप का, क्वेश्चन मार्क नंबर दो था टॉपिक, वो था वायरकैट टाइप का, क्वेश्चन मार्क नंबर तीन है राइटर वायरकैट टाइप का, क्वेश्चन मार्क नंबर चार है कॉस्ट नंबर टाइप का। इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है वायरकैट टाइप का है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे बताएंगे वायरकैट टाइप का, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी एप्लीकेशन को कैसे बताऊं ये वायरकैट टाइप का है, स्ट्रिंग छोड़ो, अरे लल्लू प्रसाद वहां पे जो वायर कह रहे हैं वो यहाँ पे स्ट्रिंग है, मैं इसको ये कैसे बताऊं ये वायरकैट टाइप का है, व्हाट्स पे ध्यान दो, वायरकैट टाइप का है। तो भैया किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस के डेटा टाइप बताने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है, क्लास का नाम है टाइप्स, java.sql में मिलेंगे, और उस क्लास के जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन को बता सकते हो कि वो डेटाबेस में जो कॉलम्स हैं उनके टाइप क्या है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे सेटेंट, मतलब मैंने क्वेश्चन मार्क नंबर वन पे, ये जो है क्वेश्चन मार्क नंबर वन, मैंने क्वेश्चन मार्क नंबर वन बोले तो आईडी, आईडी की वैल्यू मैंने वन दे दी, मतलब वन का मतलब वन है, यानी इसका मतलब जो है वन है, ठीक है। और देखो कैसे बताएं, तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, क्लास का नाम है टाइप्स, मैं आपको लिखवा दूंगा टाइप्स, आप सिंपल लिखोगे टाइप डॉट, किस टाइप का है, एरे है, विकेट है, बूलियन है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, वेयर कैर है, क्या है, सब कुछ है, ये देखो वेयर कैर भी आएगा, आएगा भी आएगा, वही भी आएगा, आ गया, ठीक है। यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क नंबर टू है बोले तो टॉपिक, टॉपिक किस टाइप का है, वेयर कैर टाइप का, मैंने उसको रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर करते हैं किसको, तीसरे को, तीसरा वाला किस टाइप का था बच्चे, वेयर कैर, और चौथा वाला किस टाइप का था, नंबर। तो आप जो चौथा वाला है उसको कैसे लिखोगे, आओ जरा देखते हैं। तो चौथा वाला जो था हमारा वो था नंबर, कैसे लिखोगे, टाइप डॉट नंबर, टाइप डॉट नंबर, कहानी खलास, न्यूमेरिक नंबर है ना, नंबर न्यूमेरिक एक ही चीज है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक एक ही बात है, ठीक है, न्यूमेरिक, ओके। अब कहानी क्या करनी है, बस अब मुझे इसका डेटा तो दे चुका हूं, अब हम क्या काम करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो जब एग्जीक्यूट चला होगा ना, अब ध्यान से देखो एग्जीक्यूट चला कैसे होगा,
जब एग्जीक्यूट चला होगा तो ये चला होगा, ठीक है, इसने सिलेक्ट क्वेरी चलाई, जब सिलेक्ट क्वेरी चली तो डेटाबेस में गए, डेटा उठा के लाए, और वो जो हमारे तीन वेरिएबल थे ना आउट वाले, पहला दूसरा तीसरा, बोले तो टॉपिक राइटर कॉस्ट में डेटा डाल दिया, आपको डेटा से निकालना है, मान के चलो डेटा आ गया। अरे सर ऐसे कैसे मान ले डेटा आ गया? अरे जरा देखो ना, आपने लाइन नंबर 13 पे कॉलम्स को एग्जीक्यूट कर रखा है स्टोर प्रोसीजर को, तो लाइन नंबर 13 पे हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर कॉल किया, तो जब ये स्टोर प्रोसीजर कॉल हुआ डेटाबेस से डेटा आया होगा, और तीनों वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें इन मेथड का यूज करके, बच्चों देखो, हमें इस मेथड का यूज करके इनमें से डेटा निकालना है, तो पहला मेथड कौन सा होगा, गेट स्ट्रिंग, दूसरा मेथड गेट स्ट्रिंग, और तीसरा मेथड गेट कॉस्ट, सॉरी गेट गेट इंट, है ना। मुझे आउट पैरामीटर से डेटा निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे डेटा, टॉपिक तो आपको पता ही है, आईडी तो आपको पता ही है, टॉपिक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब एक काम करो, देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, ठीक है, टॉपिक, टॉपिक इज नाम बताओ कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट का, सी एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नंबर वन की वैल्यू वन ही तो आएगा, आउट में कौन कौन सा पड़ा हुआ है, आउट में आउट टू है ना, हाँ टू है हमारा, पहला तो यह आ गया, ठीक है, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ओके ये आ गया आपका तीसरा, ये आ गया आपका चौथा, चौथे मेथड वाला का नाम क्या होगा, इंट, गेट इंट, तो टॉपिक तो ये हमारे ये आ गया, अभी देखता हूँ, अच्छा राइटर कौन सा आ गया ये, और कॉस्ट आ गया ये, कॉस्ट आ गया ये, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट ही तो है, फ्लोट है वो, फ्लोट है तो गेट फ्लोट है, है ना, गेट फ्लोट है, बाकी सब ठीक है, देखते हैं। अच्छा इस लाइन को यहाँ कमेंट कर दो, इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर दो, अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ सही रहा तो ये प्रोसीजर चलना चाहिए, देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। देखो भाई, देखो मैंने वन दे रखा था, अगर वन दे रखा है, अगर सब कुछ सही रहा तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक का डेटा शो कर दिया, उसके बाद राइटर का डेटा शो कर दिया, उसके बाद आपने कॉस्ट शो कर दी, झकास, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टू दे देते हैं, अगर हम यहाँ पे टू दे देते हैं और चलाते हैं, सही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टेबल में जाके देखें, टेबल में यहाँ पे हमारे पास था चार, चार पे मामला था, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं चार दे देता हूँ, ठीक है, और चलाता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसमें किसी एक मेथड को कमेंट कर दूं और चलाऊं, देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसिंग इन और आउट पैरामीटर एट इंडेक्स नंबर टू, इसका मतलब यही बात है, हमें उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, पहले हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो कौन सा हमारे पास आर्ग्यूमेंट है जो हमारे डेटा को लेके आएगा, ठीक है जी। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था और इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें से कुछ अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये प्रोसीजर की बॉडी है, आप प्रोसीजर की बॉडी भी को बॉडी को भी नोट नोट डाउन कर सकते हो, जल्दी है, ठीक है, बोलो बच्चे की जो वो थी कोडिंग थी वो दिखाता हूँ, हाँ क्या कहते हैं रिजल्ट, नहीं जितने भी आउट पैरामीटर हैं उनको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, जितने भी करते हैं तो। मैंने क्या कहा, जितने भी आउट पैरामीटर हैं उनको 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 रजिस्टर करना पड़ेगा, जितने भी आउट पैरामीटर हैं उनको, हाँ सर ये तो ये कौन सा है, जल्दला नहीं, अबे हमने डॉन खोल दिया, वो तो सोच रहे ये क्या चक्कर है, डॉन था वो तो, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, लिखी थी सिलेक्ट क्वेरी आ रही है इंसर्ट क्वेरी, ठीक है ये नया आया भाई, इसी को तो जल्दला कहते हैं कंट्रोल जी, तो चलो इसको देख लो, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं नोट करना है, आपको जो नोट करना है वो देखो ये बीच का है, ठीक है ये बीच का नोट करना है, ये आपको लिखना है, ख्याल रहे B topic, oh my god, B topic, comma, B writer, and B cost, out type A N, ये ख्याल रहे B topic, B writer and B cost, out type के हैं, और वो जो हमारा in है, ये जो हमारा है क्या चीज है, आईडी इन टाइप का है, इन टाइप का है, ये ख्याल है, तो बी आई डी इन टाइप का है,
इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, जबकि बी टॉपिक, बी राइटर और बी कॉस्ट आउट टाइप के हैं, इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और इनकी जो वैल्यू है वो गेट मेथड से रिट्रीव करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब वो प्रोग्राम आपको मेल करने से पहले उस पर कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, या लिखवा दूँ उसके बारे में। सर कमेंट लिखवा दीजिए और कमेंट लिखने के बाद उन कमेंट के बारे में कमेंट लिखवा दीजिए। हाँ जी, तो भैया इसको हटाओ, तो क्या आप लोग डॉट बना रहे हैं? कौन से गिन रहे होंगे सर कितने डॉट? अरे सर आपने इतने डॉट लगा दिए, गिन भी नहीं पा रहे, 1 2 3 4 ठीक है। अब कितने लगा कितने डॉट भैया? 17 ओके 18 है वहाँ। अच्छा एक और लगा देते हैं, लो कोई डॉट नहीं है, हटाओ ओके। अब उस प्रोग्राम हाँ लास्ट डॉट रह गए, ठीक है चलो जी, अब हो गया, हाँ हो गया सर, हटा दीजिए ओके ठीक। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एक काम करते हैं इसको जरा मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, और इसमें आप लोगों को कौन सी लाइन पे टेंशन है आप बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइन नंबर 8 पे कॉलेबल स्टेटमेंट का एक ऑपरेंड निकाला, ठीक है। इन टाइप का जो पैरामीटर था, जो इन टाइप का पैरामीटर था उसकी वैल्यू दे दी मैंने 4, और फिर तीनों आउट वाले जो पैरामीटर्स हैं उनको मैंने रजिस्टर करा दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लास। तो व्हाट इज टाइप्स? टाइप्स इज अ प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल इन java.sql पैकेज। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइन की चीज है ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा java.sql.types, सो इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल java.sql पैकेज। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करके आप डेटाबेस में जितने भी डेटा टाइप पड़े हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट फॉर डेट है, न्यूमेरिक फॉर नंबर है, कहाँगे न्यूमेरिक, कहीं होगा न्यूमेरिक, इंटीजर फॉर नंबर भी कह सकते हो, डबल फॉर नंबर भी है, वेयर केयर है, देखो यहाँ पे वेयर केयर कहीं होगा, ऊपर नीचे है सभी, ये देखो वेयर केयर है, वेयर केयर है, केयर है, डेट है, लॉब बी लॉब है, सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है इसके थ्रू कर सकते हो। हाँ अरे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं, तो ये है ना बढ़िया चीज। तो चलो इसको जरा देख लेते हैं, तो बोलो जी बोलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसकी वैल्यू दे दी? आईडी की वैल्यू दे दी, उसके बाद जितने भी आउट पैरामीटर थे उनको हमने रजिस्टर कर दिया, अपने स्टोर प्रोसीजर को चलाया, जो डेटा हमारे आउट में आया हमने उस डेटा को रिट्रीव किया, डेटा को रिट्रीव किया, डेटा को रिट्रीव किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ कमेंट, गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ cs, आप जानते हो cs क्या होता है, ठीक है ओके। पुट द वैल्यू, वैल्यू स्पेलिंग जो भी होती हो, वैल्यू फॉर इन पैरामीटर इन, ठीक है, आर्गुमेंट इन argv, इन आर्गुमेंट आर्गुमेंट की स्पेलिंग है आर्गुमेंट ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम कर रखा भाई, यहाँ हमें रजिस्टर किए हैं, रजिस्टर द आउट आर्गुमेंट, आउट आर्गुमेंट्स ओके, मेंट्स की स्पेलिंग MENTS आर्गुमेंट्स। और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, प्रोसीजर को कॉल किया, कॉल द प्रोसीजर, कॉल द एसपी, एसपी मतलब स्टोर प्रोसीजर ओके, फेच द डेटा, फेच द डेटा फ्रॉम द आउट आउट आर्गुमेंट्स, कहानी खत्म, ठीक है भाई। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रखते हैं टेस्ट सीएस पार्ट 2, टेस्ट सीएस पार्ट 2, और ये मैं आपको मेल करता हूँ, ठीक है। तो वेलकम टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 2 मिनट का ब्रेक है आपके लिए, बहुत मजेदार चीज, अगर आपको एक बार GUI आ गया, फिर तो आप आगे आगे बढ़ोगे, सोचो अगर आपको